नमस्कार दोस्तों। दोस्तों, हमारा यूनिवर्स बहुत सारे रहस्यों से भरा पड़ा है। हमने कई ऐसे रहस्यों को जान लिया है कि आखिर ऐसा क्यों होता है, लेकिन अभी भी हमारे वैज्ञानिकों को कई अनगिनत रहस्यों को खोजना बाकी है कि आखिर ऐसा क्यों होता है। आज सुबह एक छोटा सा क्वेश्चन मेरे छोटे भाई ने पूछा। घूमती है? अब इसका जवाब देने के लिए कि पृथ्वी क्यों घूमती है, मैंने सोचा कि इस पे एक पर्टिकुलर वीडियो बनाया जाए, क्योंकि बहुत सारे लोगों को इसके बारे में नहीं पता होगा कि पृथ्वी क्यों घूमती है। तो इसके पीछे एक हाइपोथेसिस है, एक परिकल्पना है, जिसको लाप्लास ने दिया था, नेबुलर हाइपोथेसिस। नेबुलर हाइपोथेसिस के बारे से समझने के बाद हम जान पाएंगे कि पृथ्वी क्यों घूमती है। तो आइए उसको हम समझते हैं, नेबुलर हाइपोथेसिस को। लाप्लास ने दिया था नेबुलर हाइपोथेसिस, यानी कि निहारिका परिकल्पना, जिसमें उन्होंने बताया कि प्रारंभ में एक होट गतिमान निहारिका थी, नेबुला था, गतिशीलता होट था, यानी कि काफ़ी गर्म था निहारिका, यानी कि नेबुला, और उस नेबुला से 9 छल्ले निकले। उस नेबुला से पहले एक छल्ला अलग हुआ, उस नेबुला से पहले एक छल्ला या एक रिंग अलग हुई, और फिर उस रिंग से 9 रिंग निकले और हमारे 9 प्लेनेट का फॉर्मेशन हुआ। अभी तो 8 प्लेनेट ही है, क्योंकि प्लूटो को बौने ग्रह का दर्जा दिया गया और वह अभी हमारे सौरमंडल में जो हमारी प्लेनेट है उसका हिस्सा नहीं है, वो एक बौना ग्रह। तो इस तरह से हमारे 9 प्लेनेट का फॉर्मेशन हुआ था नेबुलर हाइपोथेसिस के आधार पे, नेबुलर हाइपोथेसिस की परिकल्पना के आधार पे, और जो कुछ बचा कुचा था उससे बना था हमारा सन। देखिए, जो पार्ट बचा था, मतलब जो नेबुला से जो एक रिंग निकला उसके बाद जो रेजिडुअल पार्ट बचा था उससे हमारे सन का फॉर्मेशन हुआ था, और तब से लेकर आज तक है जो सन के चारों ओर हैं, जब फॉर्मेशन हुआ था तभी से चक्कर लगा रहे थे, जो जो ग्रह बने थे तभी से हैं, उसके हमारे सूर्य के चारों ओर चक्कर लगा रहे थे, और अभी तक है वह उसी तरह है, सूर्य के चारों ओर रिवॉल्व हो रहे हैं। नेबुलर हाइपोथेसिस यानी कि निहारिका परिकल्पना को अब हम और भी डिटेल से समझने वाले हैं, क्योंकि यह बहुत ही ज़्यादा एक्सेप्टेबल थ्योरी है, जिसके माध्यम से हमें यह पता चलता है कि जो हमारे प्लैनेट्स हैं उनका निर्माण कैसे हुआ। देखिए, सबसे पहले एक सोलर नेबुला था जो गैस, डस्ट, रॉकी मटेरियल आदि का बना हुआ था, और इस सोलर नेबुला की जो स्पीड है, इसका जो मास है, इसकी जो ग्रेविटी है, ये सब कुछ लगातार बढ़ रहा था। इसके साथ इसका जो टेम्परेचर है वो भी लगातार है बढ़ रहा था, क्योंकि यह गतिमान था नेबुला शुरू से ही, और धीरे धीरे जो इसकी स्पीड है वह और तेज होती गई, इसका जो ग्रेविटी है और तेज होता गया, इसका जो टेम्परेचर और तेज होता गया, और उसके बाद है इसमें विस्फोट होता है जिसमें एक छल्ला निकलता है, जिसको हम जानते हैं प्रोटोस्टार, जो हमारा सन है वो इससे निकलता है, वो अलग होता है, और इसके साथ ही इसके चारों ओर हैं जो डस्ट है, रॉकी मटेरियल है, गैसेस है, वो चारों ओर इसके घूमते रहते हैं, और उनसे हैं निकलते हैं प्रोटो प्लेनेट, जो 9 छल्ले हैं इसके बाद ही इससे निकलते हैं, और उनसे हैं 9 प्लेनेट बनते हैं, यानी कि प्रोटो प्लेनेट से हैं हमारे जो 9 प्लेनेट्स का है निर्माण होता है। तो ये हमारे लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है। और इसके अलावा देखिए, जो निहारिका परिकल्पना है, नेबुलर थ्योरी है, ये हमें यह भी बताती है कि जो हमारे जो प्लैनेट्स हैं उनकी सीक्वेंस क्या है। इसके अलावा देखिए, जितने भी जो प्लैनेट्स बने थे वो शुरुआत से ही हैं घूम रहे थे सन के चारों ओर, अभी भी उसी डायरेक्शन में वो घूम रहे हैं, रोटेट हो रहे हैं। अब देखिए, जो हमें ये सीक्वेंस बताता है प्लैनेट्स का कि सीक्वेंस कैसा होगा, उसको हम जान लेते हैं। देखिए, सबसे पहले हैं जो रॉकी मटेरियल से बने हुए प्लैनेट्स आते हैं, जिसमें हैं मरकरी, विनस और हमारा मार्स और जुपिटर, मार्स और अर्थ आते हैं, और उसके बाद जो गैसेस से बने हुए जो प्लैनेट्स आते हैं, जिसमें जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस और नेपच्यून का नंबर आता है। तो इससे हमें काफ़ी कुछ पता चल पाता है निहारिका परिकल्पना, नेबुलर थ्योरी से। आई होप सारी चीज़ें आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी। इस वीडियो में इतना ही। जय हिंद, जय भारत।